हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम टोटल लेंथ यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और टोटल लेंथ ऑफ डायमीटर 8 के लिए, डायमीटर 10 के लिए, 12 और 16। और सिमिलरली अगर आप 20 mm का भी यूज़ कर रहे हो तो भी यही फॉर्मूला से आप यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स एड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट से मैं 16 mm के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला में मैं टाइप कर रहा हूँ इज इक्वल टू इफ फिर ब्रैकेट डायमीटर, डायमीटर मेरा है 16 mm, तो इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर हमारा ये फिक्स रहने, डायमीटर हमारा ये जो है फिक्स है, 16 mm है, 12 mm है, 10 mm है, 8 mm है, लाइक दैट। इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो डायमीटर हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है 16, सो इज इक्वल टू 16 कॉमा वैल्यू फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो है टोटल लेंथ फिर ब्रैकेट कॉमा इफ। आप फॉर्मूला यहाँ से रिफर कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगेन ये मेरे पास फॉर्मूला लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब लेस देन भी नहीं होना चाहिए उसके, ग्रेटर देन भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वही वैल्यू होना चाहिए, कॉमा डबल इन्वर्टेड स्पेस डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला को कॉपी करना है और तीनों जगह पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा वैल्यू है वो डायमीटर 8 के लिए है, तो जहाँ पे 16 है वहाँ पे मुझे लिखना है 8, और ये जो है वो हो जाएगा डायमीटर का, और ये जो O4 है वो मेरा टोटल हो जाएगा नंबर्स लेंथ के लिए, और फिर ये जो H4 है, या तो फिर मैं टाइप ही कर देता हूँ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट मेरा जो डायमीटर है इज इक्वल टू 8 फिर कॉमा वैल्यू ब्रैकेट ओपन फिर यहाँ पे टोटल लेंथ, सॉरी टोटल लेंथ मेरी ये है ब्रैकेट क्लोज इफ ब्रैकेट ओपन ये मेरा डायमीटर है फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 8 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एक्चुअली 2 ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए था तो वो उसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया है, सो दैट इज गुड। सिमिलरली मुझे 12 mm के लिए चाहिए, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इज इक्वल टू K4 और जहाँ पे 8 है वहाँ पे मुझे लिखना है 12 और जहाँ पे 8 है वहाँ पे मुझे लिखना है 12 एंटर। तो ऑब्वियसली 12 mm का कोई डायमीटर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 12 करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई है और यहाँ पे ऐड हो गई है, और अगर मैं यहाँ पे 8 mm करता हूँ तो ऑब्वियसली वो वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई है, यहाँ पे ऐड हो गई है। अब मैं यही फॉर्मूला को कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे 8 है वहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 mm और फिर एंटर, और यहाँ पे मैं अगर 10 mm करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल वैल्यू 16 mm कर देता हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये चारों के चारों सेल की वैल्यू थ्रू आउट यहाँ तक कॉपी कर देना है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा 16 mm है, तो 16 mm में वैल्यू आ गई है, ये 12 12 तो 12 mm में वैल्यू आ गई है।
अब यहाँ पे मुझे टोटल लेंथ, टोटल वेट वो सब चाहिए, तो मैं पहले टाइप कर देता हूँ टोटल लेंथ, फिर यूनिट वेट, यूनिट वेट इन ब्रैकेट इन केजी, फिर यहाँ पे टोटल वेट इन ब्रैकेट इन केजी, और यहाँ पे टोटल वेट इन ब्रैकेट इन टन। अब मुझे सिंपली यहाँ पे ऑटो सम कर देना है, इज इक्वल टू ऑटो सम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ से, हाँ यहाँ से लेके बॉटम तक थ्रू आउट ऑटो सम हो जाएगा, और कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, ऑब्वियसली गुड, यहाँ पे भी तो ऑटो सम प्रॉपरली हो गया है। अब यूनिट वेट इन केजी, तो आपको पता ही है कि डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.162, सो इज इक्वल टू डायमीटर मल्टीप्लाई बाय अगेन डायमीटर डिवाइडेड बाय 162.162। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिट वेट इन केजी यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी करके सब जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसने कंसीडर किया है डायमीटर 16, गुड। अब यहाँ पे टोटल वेट इन केजी, सो टोटल वेट इन केजी, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, एंटर, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे तीनों जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे टोटल वेट इन केजी मिल गया है, और इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे मुझे टोटल वेट इन टन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा किस तरीके से फाउंडेशन का जो लेंथ होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू में जाके अनफ्रीज पैनल्स, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने फाउंडेशन का, फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल एक्सेल में स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से किस तरीके से हमने क्रिएट किया है। पार्ट वन में हमने यहाँ पे एक्सेल शीट किया है वो मैंने आपको समझाया, और फिर सब वैल्यूज यहाँ पे एंटर करके आप यहाँ पे टोटल वेट इन टर्न, अब यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो F1, या तो फिर यही शीट को कंटिन्यू कर सकते हो F2, F3, F4 के लिए एंड सो ऑन। और यहाँ पे मेरे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ड्राइंग्स भी है, तो वो सब आप रिफ़र भी कर सकते हो, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेंथ और विड्थ आ जाएगी, तो उस तरीके से आप बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू विल बी एंजॉय दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट वी विल बी गो फॉर द बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर द कॉलम्स।